हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सीटीई उदयपुर डायरेक्ट एडमिशन काउंसलिंग, डायरेक्ट स्पॉट एडमिशन, जस्ट लाइक ओपन कैटेगरी एडमिशन। यार, इस कैटेगरी के अंदर सबसे पहले तो बता दूं कि आपकी जो भी है एससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, कुछ भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके अंदर जो आपको एडमिशन मिलेगा जनरल कैटेगरी बेसिस पे मिलेगा। यहाँ पे कोई भी एसटी एससी ओबीसी कोई सीट अवेलेबल नहीं है अभी। अभी जो सीट्स है वो सारी की सारी जनरल सीट बन चुकी है, जो भी तुम्हें स्पोर्ट कैटेगरी के अंदर मिलेगी, ओपन काउंसलिंग जिसको बोलते हैं। और इसके अंदर आपको कोई टीएफडब्ल्यू सीट अलॉट नहीं किया जाएगा। सारी की सारी जो सीट्स होगी नॉर्मल सीट होगी, और जो तुम्हारी कैटेगरी है जनरल कैटेगरी होगी। इसके अंदर अगर आपकी एसटी कैटेगरी है तो वो भी कंसिडर नहीं की जाएगी। आपको जो सीट दी जाएगी वो जनरल बेसिस पे दी जाएगी। भैया, सीटें उदयपुर के लिए क्या करना पड़ेगा, कहाँ पे नोटिस आएगा, कहाँ पे नहीं आएगा, इसके लिए आप थोड़ा सा प्रोसेस जान लेते हैं। तो मैं हूँ सीटें की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब आप अभी देख सकते हैं, ये सीटें की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आप यहाँ पे जैसे ही नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे न्यूज एंड इवेंट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आप यहाँ पे व्यू मोर पे क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ पे व्यू मोर पे क्लिक करते हैं, ये वेबसाइट फिर से खुलती है और आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन दिखते हैं इस पे। स्टूडेंट, ये जो आपको नोटिस दिख रहे हैं, यहाँ पे ही आपको एक नोटिस आएगा, एडमिशन नोटिस फॉर यूजी एडमिशन स्पेशल राउंड या स्पॉट राउंड। फिर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, जो भी इसके पोर्टल है, इसका जो स्मार्ट पोर्टल, जो भी पोर्टल होता है, इस पे आपको जो भी कुछ चालान वगैरह देके अपनी चॉइस फिलिंग वगैरह करनी है कि मेरे को ये सीट चाहिए, मेरी रीप्रिंट ये है। और जिसके बाद जो है आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, और उसके बाद ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो आपको ऑफलाइन बुलाए या ऑनलाइन बुलाए। इसके लिए अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया है स्पेशली किसी भी यूनिवर्सिटी ने, लेकिन जस्ट ये उम्मीद की जा रही है कि एटलीस्ट 3 से 4 तारीख तक नोटिस आ सकता है। आज भी 30 हो चुकी है, और आप जो मान सकते हो कि 3 से 4 को तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 को दीपावली है, और तो आप 3 मान सकते हो, या फिर 2, या फिर 1 को भी आ सकता है, हो सकता है कल भी आ जाए। तो आप जैसे ही अगर आपको एडमिशन की नीड है तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे विजिट करते रहें। और जैसे यार किसी को अगर एडमिशन चाहिए तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकता है। ओके, और जस्ट इतने ही बच्चे कॉन्टेक्ट करें जिसके मतलब बहुत अच्छे मार्क्स हो, क्योंकि हम भी जो मतलब इतने बच्चों का भी एडमिशन नहीं करा सकते। मतलब सभी बच्चे कांटेक्ट करने लग जाए, सभी मैसेजेस करने लग जाए, वो पॉसिबल नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो जो भी 1-2 बच्चा का ही पॉसिबल हो सकता है। ओके, तो जो फोन पे गूगल पे वगैरह यूज करता हो तो वो बच्चा कांटेक्ट कर सकता है मुझसे। ओके, 1-2 एडमिशन करवा सकते हैं, ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। जिसके ठीक ठाक परसेंटाइल हो जेई के अंदर और 12th के अंदर तो वो स्टूडेंट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, और आप जस्ट फ्यूचर ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एडमिशन के रिगार्डिंग आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, प्लीज विजिट करते रहिए। रीप का काम अभी खत्म हो चुका है, अब रीप से कोई लेना देना नहीं है। और जस्ट आप अपनी सीट विड्रॉ भी कर सकते हैं, 25 तारीख तक आपको फुल रिफंड दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।